एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परशम। हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो पूरे वीक में, मतलब 27 मार्च से 2 अप्रैल तक जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हमने मॉर्निंग 7 AM डिस्कस किए हैं। तो उसी से रिलेटेड आज आप लोगों का एक टेस्ट होगा, मतलब एक क्विज होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिए हैं जिससे आपका रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो 60 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है, और फिर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, आपका जो भी स्कोर रहता है स्कोर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और एक क्वेश्चन भी है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे में है, जिसका आंसर भी आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। लेकिन इस करेंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले मैंने दो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स आपके लिए तैयार किए हैं। एक तो है इम्पॉर्टेंट डे और दूसरे हैं जो भी अवार्ड इस बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो एक बार इम्पॉर्टेंट डे और अवार्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद डायरेक्टली हम स्विच करेंगे अपने क्विज में, ठीक है। अगर आज के क्लास का PDF आपको चाहिए है तो परचम की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, आप इसे ले सकेंगे वेबसाइट से या फिर परचम के एप्लीकेशन से। इसके अलावा एक बार लिंक को शेयर ज़रूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में। अब कुछ ऐसे डेज़ भी यहाँ पर हैं जो आपके जानने के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेज़ हुए थे तो मैंने ऐड कर दिए। अभी हम देखेंगे कौन से हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं नहीं। सबसे पहले बात करते हैं 27th of March के में। तो 27th of March को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड थिएटर डे। थिएटर भी एक ज़रिया होता है इंटरटेनमेंट का, तो थिएटर के आर्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और सिंस 1962 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि इस दिन का इनिशिएटिव किया था 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब इस साल की थीम क्या रही है? तो थीम है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे था 30th of March, राजस्थान दिवस। मतलब राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था 30th March 1949 को, यहाँ पे राजस्थान स्टेट बना था। तो राजस्थान दिवस 30th March को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करते तो ये इसका 73rd नंबर का फाउंडेशन डे था। राजस्थान जो है वो अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन है? राजस्थान है। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी रैंकिंग 7th नंबर पे आती है, ठीक है। अगर पूरे कंट्री की लोकेशन के बारे में बात करें तो 4% एरिया जो है कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है राजस्थान। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022। इसको हम सेलिब्रेट किए 31st of March को, टू रेज अवेयरनेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द ट्रांसजेंडर। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है, आपने देखा होगा उनके साथ काफ़ी कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो इन्हीं के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन की शुरुआत एक US बेस्ड ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट थे, रेचल क्रेंडल, उनके द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैकअप डे 2022 31st March को। हम लोग वन ड्राइव यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं बैकअप डेटा को करने के लिए। तो हमारा डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रीसियस है, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे किस तरीके से रिलाई करना चाहिए, इसलिए वर्ल्ड बैकअप डे जो है वो 31st March को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर ऐड कर लिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग, इसको भी 31st March को सेलिब्रेट किया जाता है। सिंस 2017 इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं टू एडुकेट द पीपल ऑन ड्रग एंड अवेयर ऑफ देयर इफेक्ट्स, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 1st अप्रैल, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जिसको उत्कल दिवस कहते हैं। ये उड़ीसा का फाउंडेशन डे है। 1st अप्रैल 1936 को उड़ीसा स्टेट बना था, और इसकी जो पहले कैपिटल थी वो कटक थी, लेकिन आज के समय में उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है, जिसको हम खेलों की शहर या खेलों की राजधानी, स्पोर्ट कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। गणेशी लाल गवर्नर हैं और नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2022, कब सेलिब्रेट हुआ? 2nd अप्रैल को। 2nd अप्रैल को इसकी शुरुआत 1967 में की गई थी, और थीम है स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू श्योर एवरी डे। मतलब स्टोरीज़ आर विंग्स, मतलब पंख है हमारे जो हमको डेली उड़ने में, ऊंचाइयों पे जाने पे हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये दिन भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2nd अप्रैल को हुआ। नेक्स्ट है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जो कि 2nd अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2008।
2008 से इस दिन की शुरुआत हुई थी और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में अडॉप्ट किया गया था। थीम है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक, अब बात कर लेते हैं अवार्ड्स। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड इस बीच में दिए गए, जैसे कि आप वाटर अवार्ड्स देखते हैं, विंग्स इंडिया अवार्ड्स देखते हैं, इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड्स भी इस बीच में दिए गए। तो एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, फिर हम क्विज पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीबीसी के अवार्ड्स के बारे में। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? मीराबाई चानू को दिया है, जो कि एक वेट लिफ्टर है। अगर बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड देखेंगे तो शिफाली वर्मा को दिया है, जो कि एक क्रिकेटर है। और बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? कर्णम मलेश्वरी को दिया है, जो कि एक वेट लिफ्टर है। ये तीन अवार्ड क्लियर हो गए आपको, मीराबाई चानू, शफाली वर्मा और कर्णम मलेश्वरी। नेक्स्ट अवार्ड है हमारे पास स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जिसको वाटर अवार्ड मतलब नोबल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से भी से जाना जाता है। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसे दिया है? तो विलफ्राइड ब्रूट स्टर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर विंग्स इंडिया 2022 अवार्ड्स के बारे में। विंग्स इंडिया जो सेरेमनी हुई थी या प्रोग्राम हुआ था वो हैदराबाद में किया गया था। फिक्की और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया था। इसमें कोविड चैंपियन जो अवार्ड दिया गया है वो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी में जो अवार्ड दिया है वो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है, बेंगलोर को। और एविएशन इनोवेशन में भी कैंपेगौड़ा का फर्स्ट नंबर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हैज़ बीन नेम्ड एज अ वन ऑफ द अवार्डी ऑफ द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022। तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? दीपिका पादुकोण को दिया है। इन्होंने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाई है, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है 94th एकेडमिक अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। इन्हें 27th मार्च को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये अवार्ड 1929 से दिए जा रहे हैं और एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। अगर हम बात करते कुछ समय पहले बाफ्टा अवार्ड भी दिए गए थे और बाफ्टा अवार्ड द पावर ऑफ डॉग को मिला था। यहाँ ऑस्कर अवार्ड में द पावर ऑफ डॉग सबसे ज़्यादा नॉमिनेट होने वाली मूवी है, इसको नॉमिनेशन सबसे ज़्यादा मिला है 12। और सबसे ज़्यादा जो अवार्ड्स मिले हैं वो डून मूवी को मिले हैं। अब यहाँ पे कुछ अवार्ड्स हम देख लेते हैं, जैसे कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड कोडा मूवी को मिला है। और कोडा मूवी में ही एक एक्टर थे जिनका नाम है ट्रॉय कॉस्तूर, जो कि डेफ पर्सन है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जैन कैंपेन को मिला है, जो कि द पावर ऑफ डॉग की डायरेक्टर है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसिका चेस्टिन को मिला है द आई ऑफ टेमी फाई के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एरिना डेबोस को मिला है। तो ये कुछ अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड दिए जाते हैं। 2018 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो इस साल ये थर्ड नंबर का एडिशन था, जिसके लिए 57 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अगर हम बेस्ट स्टेट कैटेगरी में बात करते हैं नेशनल अवार्ड के बारे में, तो सबसे ऊपर है यूपी, यूपी के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद तमिलनाडु का नंबर है। इसके अलावा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत भी की गई। हालांकि कैच द रेन कैंपेन है वो 2021 में इनिशिएट किया गया था। तो यहाँ पे 57 नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ये थर्ड एडिशन था और उत्तर प्रदेश टॉप पर है, देन राजस्थान और फिर तमिलनाडु। इसके अलावा अगर हम बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में एक नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, वेस्ट जोन है, ईस्ट जोन है और नॉर्थ ईस्ट जोन है। तो 5 स्टेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ जोन में, तो नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। साउथ जोन में तिरुवनंतपुरम है, जो कि केरला की डिस्ट्रिक्ट है। ईस्ट जोन में ईस्ट चंपारण है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट। अगर हम वेस्ट जोन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इंदौर है। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो गोलपारा असम। तो इन 5 स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी याद रखेंगे, जिन्हें नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड के बारे में। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड INS बलसूरा को दिया है। INS बलसूरा को 1942 में कमीशन किया गया था जामनगर गुजरात में। ठीक, अब बात करते हैं क्विज के बारे में। यहाँ पे शॉर्ट में एक ब्रीफ में डिस्कशन हुआ, डिटेल वीडियो आपको 7 AM पर ही मिलेगा, जो कि डेली आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्विज। गुड लक,
ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा और उसके बाद आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज द 10-day लॉन्ग भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल एट विच प्लेस टू शो केस द हेरिटेज कल्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इस भारत भाग्य विधाता को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। 10 दिन का फेस्टिवल है। इनॉग्रेट स्मृति ईरानी ने किया था और कहाँ पर हो रहा है ये? रेड फोर्ट में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वॉट इज द थीम ऑफ अर्थ आर डे इन 2022? तो अर्थ आर डे की थीम क्या रही है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेप आर फ्यूचर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा इंपॉर्टेंट डे या फिर उसकी थीम से। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द वर्षमा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज। वर्षमा का मतलब होता है मलय और मलय पेनिनसुला में ही आता है आपका मलेशिया। तो मलेशिया के द्वारा इसे होस्ट किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चार नेशन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मलेशिया ने केवल होस्ट किया था, पार्टिसिपेशन नहीं किया था। नेक्स्ट बात करते हैं मारियो मार्सल हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2022 गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये किस सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? जैसे कि भारत में RBI बैंक है और उसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। अगर पहले RBI के गवर्नर की बात की जाती तो ऑसवर्न स्मिथ थे। ठीक है, तो मारियो मार्सल जो है वो चाइल्ड या चिली के जो सेंट्रल बैंक है वहाँ के गवर्नर है जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के दो ऑथर हैं, पहले तो दलाई लामा है और दूसरे हैं डेसमोंड टूटू। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट हैज स्टॉप द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021? तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो कि भारत का एक थिंक टैंक है 2015 में सेटअप किया गया था, इसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसमें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल डॉल्फिन डे, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा है किस दिन हम नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करेंगे हर साल? तो आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा जो गंगा रिवर का रीज़न है और इंडस रिवर का रीज़न है वहाँ पर, और उड़ीसा का जो आपका रीज़न है चिल्का लेक के पास वहाँ पर आपको डॉल्फिन मिलेगी, इरावती डॉल्फिन भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी रीज़न है जो कि मैंने डिस्कस किए थे। विच टीम हैज़ वॉन द 3rd edition ऑफ SAFF Under-18 वीमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप? तो यहाँ पे 3rd edition किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया है 2022 का? अभी हमने डिस्कस किया था विल फ्राइट को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड 150 million वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड? इस तरीके के पहले वाइल्ड लाइफ के लिए बॉन्ड इशू किए गए हैं और इस बॉन्ड को जो है वो राइनो बॉन्ड भी कहा जा रहा है। और रिसेंटली असम का काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे जो वन हॉर्न राइनो होते हैं उनकी भी सेंसेस हुई है जो कि हमने डिस्कस की थी। तो आपको बताना है जो राइनो बॉन्ड है 150 मिलियन के वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे अपॉइंट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years? तो आंसर हो जाएगा हिचाची टेक्यूशी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब बात हो रही है नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कोल्ड रिस्पॉन्स करके एक्सरसाइज भी इन्होंने की थी नॉर्वे में, राइट? तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल का जो एक्सटेंशन किया गया है टिल 2023, तो कौन है सेक्रेटरी जनरल नेटो के? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 30 nations नेटो के मेंबर हैं और जो भी रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था वो भी नेटो में शामिल होने के कारण, जो यूक्रेन बोल रहा था कि नेटो में शामिल होना चाहता है इसलिए वो वॉर हुआ था। विच इंडियन नेवल शिप हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? तो किसे मिला है? INS बलसूरा को मिला है। और अभी डोगरा रेजिमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, उसे भी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। तो डोगरा रेजिमेंट 20 और 21 का नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी रिसेंटली RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु में सेटअप किया है विथ अ इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़।
यहाँ पे जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है इसके पहले चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं, फर्स्ट चेयरपर्सन? तो आंसर हो जाएगा कृष गोपाल कृष्णन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विंग्स इंडिया 2022 अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट कैटेगरी में किसे अवार्ड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी रिसेंटली अंडरटुक रैपिड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नियर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ भी करता है और भूटान के साथ भी करता है, मतलब पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस यूनियन टेरिटरी ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप किया है, जो कि नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया था? तो यूनियन टेरिटरी पूछा है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडियन शटलर एचएस प्रणॉय लॉस्ट टू विच प्लेयर टू सेट फॉर सिल्वर इन द मेन सिंगल टाइटल एट 2022 स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो एचएस प्रणॉय का रिलेशन बैडमिंटन से है, इन्होंने सिल्वर हासिल किया है, मतलब रनर अप रहे हैं। तो यहाँ पर सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा जोनाथन क्रिस्टीन ने, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया के एक बैडमिंटन प्लेयर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हुए थे 2017 में और एशियन गेम्स 2018 में भी इन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीता था। इसके अलावा थॉमस कप 2022 भी इन्होंने जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम अ ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर द अपकमिंग 2022 फीफा वर्ल्ड कप इन कतर। तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने हैं, कतर में। इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बन गया है, तो बायजू बन गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच एयरपोर्ट इन द इंडिया हैज़ बीन अवार्डेड विद द कोविड चैम्पियन अवार्ड। कोविड चैम्पियन अवार्ड किसे दिया गया है, तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट डेटा विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ODF प्लस विलेजेस इन द कंट्री एज ऑफ 2022। तो यहाँ पे हमने जो टारगेट अचीव किया है वो 50,000 ODF प्लस विलेजेस का टारगेट हमने अचीव करा है। सबसे ज़्यादा जो ODF प्लस विलेजेस है वो कहाँ है, तेलंगाना में है, लगभग 13,000, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 was inaugurated in which Indian state? अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था, बेसिकली जो सेलिब्रेशन है वो आंध्रा और तेलंगाना में होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान ऑफ द मुंबई कोस्ट। तो किस मुंबई कोस्ट कहाँ आएगा, वेस्टर्न नेवल कमांड में आएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईशान मंथन फेस्टिवल टू शोकेस कल्चर क्राफ्ट एंड क्विजींस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो ईशान मंथन फेस्टिवल कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हर साल नई दिल्ली में होता है, लेकिन इस साल का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल हुआ था ना, वो असम गुवाहाटी में हुआ था। तो इस बात को भी याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अलग है और ईशान मंथन फेस्टिवल अलग है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन फीचर्ड एज द वर्ल्ड रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर एज्ड 40 and 100 एज पर द ह्यूरन रिपोर्ट फॉर 2022। तो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर अंडर 40 में कौन है, तो मार्क जकरबर्ग है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शशि सिन्हा हैज़ बीन नेम्ड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया, ही विल रिप्लेस हुम। तो शशि सिन्हा किसे रिप्लेस करके नए चेयरपर्सन बन रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा पुनीत गोयंका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि PBR का मर्जर अभी रिसेंटली किस एंटिटी के साथ हुआ है, तो PBR ने मर्जर किया है आइनॉक्स के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, विच सिटी इज द सेकेंड नॉइसेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, ढाका है बांग्लादेश, और सेकेंड नंबर पे कौन है, मुरादाबाद इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और थर्ड नंबर पे इस्लामाबाद पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट वॉन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड इन द नॉर्थ जोन इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड। तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ में किसे मिला है, तो हमने डिस्कस किया था मुजफ्फरनगर को, साउथ में तिरुवनंतपुरम, वेस्ट में इंदौर, ईस्ट में ईस्ट चंपारण, ठीक है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट अवेला
हैज़ बीन री एलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म. तो रॉबर्ट अबेला जो है वो वापस से माल्टा के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. माल्टा आपको कहाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऊपर की तरफ मेडिटेरियन सी जहाँ है वहाँ पर आपको माल्टा देखने को मिलेगा. नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल अपने नाम किया है मैक्स वर्स्टैपन ने. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है प्रमोद सावंत, गोवा के सेकेंड टाइम वापस से जो है वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं. इन्होंने अभी रिसेंटली ओथ ली है. ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है चीफ मिनिस्टर को? तो गवर्नर के द्वारा. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोवा के गवर्नर कौन है? तो गोवा के गवर्नर का नाम है श्रीधरन पिल्लई. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कितनी सीट होती हैं वो आप हमको कमेंट में बताइएगा. विच कंट्री हैज़ क्वालिफाई फॉर इट्स फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप इन 36 ईयर? तो 36 ईयर के बाद फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली कंट्री कौन सी बन गई है? तो कैनेडा बन गई है. इसने अभी रिसेंटली जमैका को हराया था. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है द पावर ऑफ डॉग, ये जो मूवी है इसकी डायरेक्टर कौन है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैन कैंपेन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन जो गए हैं वो द पावर ऑफ डॉग के लिए गए हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 94th एकेडमिक अवार्ड? तो ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है बेस्ट पिक्चर में? कोडा मूवी को मिला है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्लेस इनक्यूपमेंट गे राइडर? तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा गिलबर्ट हुंगबो, जो कि टोगो के हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के री इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है? तो आंसर है हेमंत विश्व शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टू. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? तो ये एक्सटेंशन मिला है सेप्टेम्बर 2022 तक का, 6 महीने का एक्सटेंशन है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पोर्टल लॉन्च एज अ वॉलेंट्री ड्रिवन इनिशिएटिव टू ब्रिंग टुगेदर इंस्पायरिंग स्टोरीज रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो उस पोर्टल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा मोदी स्टोरी. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट है द फाउंडेशन स्टोन टू सेट अप लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ BRBNMPL हैज़ बीन लेड एट विच प्लेस? तो RBI के द्वारा सेटअप किया गया है लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर? मैसूर में. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मैसूर में सेटअप की गई है RBI के द्वारा. नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन व्यूमेन सिंगल टाइटल एट स्विस ओपन बैडमिंटन 2022? तो वीमेन सिंगल का टाइटल किसने अपने नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा PB सिंधु. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 5th एडिशन ऑफ द बिम्सटेक समिट? तो 5वां जो अभी रिसेंटली बिम्सटेक समिट हुआ था उसे किस नेशन के द्वारा होस्ट किया गया? आंसर हो जाएगा श्रीलंका. ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है अब जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि INOX और PVR का क्या हो गया है, मर्जर हो गया है. Who has been appointed as the MD of the merged entity PVR INOX Limited? तो यहाँ पे कौन MD बन गए हैं? अजय विजली. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है हाउ मैनी नेशनल वाटर अवार्ड फॉर द ईयर 2022 हैव बीन प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? तो कितने नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए हैं? तो आंसर है 57. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है अ म्यूजियम डेडिकेटेड टू ऑल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री संग्रहालय हैज़ बीन बिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? किस सिटी में बिल्ड किया जा रहा है? 14 अप्रैल को जो है वो इसका इनॉग्रेशन भी होगा. आंसर है दिल्ली. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट, लिविंग रूट ब्रिज जिसको जिंकियांग जरी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है. तो किस स्टेट में ये रूट ब्रिज आपको देखने को मिलेगा? आंसर हो जाएगा मेघालय. मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स है वो लोग इस तरीके के ब्रिजेस को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, ऑप्शन बिल्ड करते हैं. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. अब बात करते हैं ICRA के अकॉर्डिंग भारत की GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए क्या प्रोजेक्टेड की गई है? सो आंसर है 7.2%. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है इंडियन यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ रिसेंटली इनाग्रेटेड एन इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर बिल्डिंग इन विच सिटी?
तो किस सिटी में यहाँ पे सेटअप किया गया है और यहाँ पे टारगेट बताया गया है कि 100 बिलियन हम एक्सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में। सो आंसर है दुबई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूरिन ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मेड बिलेनियर 2022? भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 4। भारत की रैंक क्या है? 4। सबसे ज़्यादा बिलेनियर कहाँ है? USA में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बॉर्न द बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड 2022? तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, देन तमिलनाडु। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू CEO ऑफ FedEx, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरियर सर्विस कॉरपोरेशन? तो FedEx के नए CEO कौन बन गए हैं? तो राज सुब्रमण्यम, इंडियन अमेरिकन है ये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून? तो FRI की नई डायरेक्टर कौन बन गई है? आंसर है रेनू सिंह बन गई हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ रेलवे हैज़ कम्प्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन? तो कहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवे का? तो कोंकण रेलवे, जो कि मुंबई मतलब महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के बीच में रन होती है कोंकण कोस्टल प्लेन में, तो कोंकण रेलवे इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रैंक द मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इन द 7th डफ एंड फ्लैप 2021 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट टाइटल डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0? तो कौन बन गए हैं मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीति आयोग विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च अ बुक टाइटल इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030? तो नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 बुक को लॉन्च किया है? तो आंसर है यहाँ पे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, म्यूगल बैंड डैम Who has passed away recently was a sport person from the Belgian, मतलब बेल्जियम के हैं। He was related to the which sport? किस स्पोर्ट से associated? आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन बी। Who among the following has won the BBC Emerging Player Award 2021? तो BBC Emerging Player Award किसे दिया गया है? तो शिफाली वर्मा को दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शिफाली वर्मा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्रिकेटर हैं ये। नेक्स्ट है, भीम बहादुर गुरु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द 3rd चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के 3rd नंबर के चीफ मिनिस्टर थे? तो भीम बहादुर जी सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभी तो हमने देखा कि 5th नंबर की जो समिट हुई थी बिम्स्टेक की, और उसको किसने होस्ट किया था? श्रीलंका ने। अब चेयरमैनशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई या दूसरे नेशन के पास चली गई, तो अब नया नेशन कौन सा है जिसके पास बिम्स्टेक की जो है वो चेयरमैनशिप है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थाईलैंड, क्योंकि ये रोटेशन बेसिस पे होती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, 1st एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 वाज हेल्ड इन विच स्टेट? किस स्टेट में हुई है? गोवा में हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, द फर्स्ट एवर रोड प्रोजेक्ट मेड आउट ऑफ बेस्ड स्टील हैज कम अप इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो आपको बताना है किस सिटी में पहली चीज़ तो ये बेस्ड स्टील से रोड बनाई गई है, इसके अलावा बताना है कि ये कितने डिस्टेंस कवर करती है या इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है आप बताइएगा। अगर आपको कंपनी का नाम याद है कि किस कंपनी के द्वारा इस रोड को मैन्युफैक्चर किया गया, तो आप ये भी बताएंगे। तो ये 3 बातें आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि 60 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।